ग्राम पंचायत पतोरा में सिटीजन चार्टर के अंतर्गत समस्त योजनाएं संचालित हैं। जन्म पंजीयन, मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन करते हैं। जन्म पंजीयन शासन की योजना के अनुसार 21 दिन में जन्म मृत्यु का पंजीयन होना है, तो हम सब जैसे ही एक हितग्राही आते हैं और प्रमाण पत्र तुरंत तत्काल दे देते हैं। उसी प्रकार विवाह प्रमाण पत्र के लिए भी हितग्राही आते हैं तो फॉर्म फिलअप करते हैं और विवाह प्रमाण पत्र हम लोग जारी कर देते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत भी ग्राम पंचायत में यदि सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगता है तो हम लोग तत्काल निराकरण करके उसको प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हैं। आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिजिटल सुविधाएं होती हैं जो वो बाहर चॉइस सेंटर में जाके करवाते हैं, वो हम ग्राम पंचायत पतोरा के अंतर्गत ही उनको उपलब्ध करा देते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पैसा लेने के लिए बैंक तक नहीं जा पाते, उनको हम आधार कार्ड के माध्यम से उनका थंब प्रिंट लेके उनसे पैसा निकाल के उनका पैसा, अकाउंट का पैसा उनके हाथ में देते, ताकि उनको चल के बैंक तक जाने में तकलीफ ना हो। हमारे ग्राम पंचायत में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है और साथ ही साथ पंचायत में 36 कैमरा लगा हुआ है। जैसे महिलाओं के ऊपर हो या फिर बालिकाओं के ऊपर या फिर कुछ भी जैसे होता है उससे जानकारी आसानी से मिल जाती है कैमरा के द्वारा। और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर, वो भी पंचायत में उपलब्ध कराए हैं। इससे गाँव में मतलब सिलेंडर रहने से और मतलब आसानी होती है, सुविधा होती है। और हमारा बस यही सोच है प्रथम व्यक्ति से लेकर आखिरी व्यक्ति तक जो भी सुविधा पहुंचाना है वो ग्राम पंचायत के द्वारा आसानी से मिल सके। ग्राम पंचायत में 4 विशेष ग्राम सभा, 2 सामान्य ग्राम सभा के साथ साथ महिला सभा का आयोजन किया जाता है, बाल सभा का भी आयोजन किया जाता है एवं वार्ड सभा का भी आयोजन ग्राम पंचायत में किया जाता है। 5 समितियां बनी हैं, 5ों समितियों की बैठक हर महीने अलग अलग समितियों के द्वारा भी ग्राम पंचायत में किया जाता है। 5ों समितियों की जो अलग अलग पंजी का रखरखाव भी ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायत में GPDP बनाने से पहले और बाद में ग्राम सभा का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी ग्रामीणों के द्वारा उस पर चर्चा की जाती है और उन चर्चा के से अवगत होकर उसके लिए GPDP का निर्माण किया जाता है। सूचना का माध्यम भी हमारे यहाँ मुनादी के द्वारा भी सूचना दी जाती है, साथ ही साथ ग्राम पंचायत में सूचना पटल के माध्यम से भी यहाँ सूचना प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत में सोशल मीडिया के जरिए भी सूचना प्रदान की जाती है, जिसमें अलग अलग समूह ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया गया है।